पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा 2019 के दूसरे चरण का समय नजदीक आते आते राजनीतिक लोगों की जुबानी जंग तेज हो गई है। उम्मीदवारों द्वारा एक दूसरे के ऊपर मंच से निजी हमले शुरू कर दिए गए हैं, जो देश की स्वस्थ राजनीति के लिए खतरा बनने लगे हैं। मुरादाबाद लोकसभा से कांग्रेसी उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने मंच से देश के प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद निजी हमला किया है। दरअसल रात में थाना नागफनी क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा लोकसभा उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी की एक जनसभा आयोजित की गई थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने मंच संभालते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी ने मुरादाबाद की जमीन पर तीन तलाक की बात कहते हुए वोट मांगे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी केवल इतने भर से नहीं माने और अपनी शायरी के माध्यम से मोदी की निजी जिंदगी पर बोलते हुए कहा कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का बादशाह कैसे हो सकता है। तो वहीं 23 मई को बनने वाली नई सरकार पर बोलते हुए कहा कि एक तरफ गॉडसे को पूजने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गांधी जी के विचार रखने वाले लोग हैं। जो आने वाले 23 अप्रैल को मुरादाबाद की एक नई तारीख लिखने जा रहा है, मैं ऐसे चौराहे पर खड़ा हूं। मैं मुखातिब हूं आपसे। मुरादाबाद इस वक्त पूरी दुनिया की नजर में है, पूरी दुनिया की नजर में है। बड़े बड़े सूरमा आ रहे हैं मुरादाबाद लोगों को समझाने। चौकीदार आया तो चौकीदार ने जो सबसे बड़ा दावा यहां पर किया वो ये किया कि हम मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के मुद्दे पर उनका हक दिलाएंगे। आवाजें दबाने की कोशिशें तो हजारों बार मेरे साथ हो गई है, मेरी आवाज नहीं दबा सकते। हम माइक के भरोसे बोलने वाले लोग नहीं है, कलेजे के भरोसे बोलने वाले लोग हैं। हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती, न लखनऊ वाले दबा सकते हैं, न दिल्ली वाले दबा सकते हैं। इस आवाज को अगर मुरादाबाद ने पलकों से लगा लिया है तो दुनिया की कोई ताकत अभी इस आवाज को नहीं दबा सकती है। नवाबपुरा वालों, आपके नाम में ही एक नवाबियत है साहब, नवाबपुरा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके नाम में ही एक ऐसी तासीर है कि आप चाहें तो शहर का रुख मोड़ दें, आप चाहें तो हवाओं का रुख मोड़ दें। मैं आपके बीच खड़ा हूं, बड़ापुर था, भागता हुआ आपके बीच में इससे पहुंचा कि मैंने बड़ी तारीफें सुन रखी थी इस मोहल्ले के लोगों की और मुझे आपसे गुफ्तगू करनी थी, मुझे आपसे मुखातिब होना था। जनसभाएं हुई हैं कई सारी, मैंने सिर्फ इसलिए ये बात नहीं कही कि आज यहां सारे सर गिन लिए जाएं और कल की सभा के लिए सर गिन लिए जाएं। मैंने ये बात यूं नहीं कही कि मैं उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने एक सच्ची बात कही है, मुरादाबाद की नुक्कड़ सभाओं में जितनी भीड़ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह उतनी भीड़ बड़े बड़े नेताओं की तैयारी की गई जनसभाओं में नहीं हो रही है। दिल्ली परेशान है, लखनऊ परेशान है, हिंदुस्तान परेशान है कि मुरादाबाद की फजाओं में कौन सी मोहब्बत का रंग घुल गया है कि एक 30 साल के लड़के को सुनने के लिए, देखने के लिए, उससे रिश्ता जोड़ने के लिए, उससे मोहब्बत जताने के लिए मुरादाबाद के मोहल्ले मोहल्ले उमड़ के आ रहे हैं। तमाम मोहल्लों ने इस इलेक्शन को अपना समझ लिया है। अब यह इलेक्शन इमरान प्रताप गढ़ी का इलेक्शन नहीं है, मुरादाबाद की आवाम का इलेक्शन है। यहां के बच्चे बच्चे का इलेक्शन है, यहां के बुजुर्गों का इलेक्शन है, यहां की मां का इलेक्शन है, बहनों का इलेक्शन है। आपकी ये जो मोहब्बत है वो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी दौलत है कि मैं इसका कर्ज चुकाने पे आऊं तो मेरी सात पुश्तें भी इसका कर्ज नहीं उतार सकती। सलाम करता हूं आपको। छुपाता है दावा है मसीहाई का मगर पर अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो कह रखा है, अब तैयार रहिएगा, कड़वी है लेकिन बात बड़ी सच्ची है। और अगर आपको लगे कि ये बात सिर्फ इमरान प्रताप गढ़ी कह सकता है तो मेरी हिम्मत और मेरे तेवर के लिए आपकी तालियों का शोर जाए पूरे मुरादाबाद में। मैं बोलता हूं साहब कि मीडिया ने जो कह रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, हिंदुस्तान का।
का क्या होगा, वे हिंदुस्तान का क्या होगा। चौकीदार चौकीदारी के दावे कर रहा है, ये बात तो साबित ही हो चुकी है। तो खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, बौखलाहट में सरे बाजार लिखने लग गए। एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, जो सारे खुद को चौकीदार लिखने लग गए, जो सारे खुद को चौकीदार।